लेट अस कम टू द टॉपिक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक लाइन दे रखी है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। उसके बीच का डिस्टेंस की जब भी हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो अगर आपको एक पॉइंट है पी जो अल्फा कॉमा बीटा है और एक लाइन दे रखी है एल जिसकी इक्वेशन है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। स्मॉल पी लेता हूं उनका डिस्टेंस विच विल बी गिवन बाय अल्फा बीटा को इस इक्वेशन में पुट कर दो, मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन कोफिशियंट्स का स्क्वायर का अंडर रूट। ये सो ये हो जाएगा इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मॉड इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमें उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर यही बात होती कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन का देखो पॉइंट क्या होता है 0,0, तो ये बस 0,0 हो जाएंगे दोनों क्वांटिटीज। दिस विल बिकम मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी से आता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस, उनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे। उनके जैसे ये और ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके बीच का अगर ये डिस्टेंस पी है, तो और हमें पता है कि देखो पैरेलल लाइंस हम फैमिली ऑफ लाइंस से पढ़ा था कि उनके स्टार्टिंग के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई है यहाँ पर, तो इस लाइन की इक्वेशन भी ए एक्स प्लस बी वाई ही रहेगी प्लस सी डैश हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है सी माइनस सी डैश का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ लेट अस डू इलस्ट्रेशन 66 टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसमें आपको गिवन है कि जो लाइन है इट कट्स ऑफ ट्वाइस द इंटरसेप्ट कट जो करती है, एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ वाई इंटरसेप्ट एंड इट इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी एक लाइन जो है ये ऐसी है कि ये जो है ट्वाइस है इसका, अगर ये बी है और ए है तो ए इज इक्वल टू टू बी है, और जो इसका ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज एट यूनिट डिस्टेंस वन। तो अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होती है, y by b is equal to 1. मेरे को पता है a is 2b over here, तो मैं 2b put करता हूँ। ठीक है, b common हुआ तो क्या हुआ, x by 2 plus y is equal to b, तो x plus 2y minus 2b equation आ गई। तो मुझे यही equation find करनी है, but यहाँ पर एक variable आ रहा है b, जो कि मुझे हटाना है। वो कैसे हटेगा, मुझे एक और condition दी है, length of perpendicular. Length of perpendicular from 0,0 to this line is 1. वो पुट करता हूं तो 1 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस 2b। ठीक है, 0 को डालूंगा तो ये बचेगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज रूट 5। ठीक है, ये बचेगा मेरे पास, सिंस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज माइनस 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 5, दैट इज मोड बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो बस b की वैल्यू आ गई आपके पास, b की वैल्यू डालो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। और ये याद रखना अगेन मॉडुलस आया है तो b की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 5 रूट 2 रूट 5 बाई 2। ठीक है, तो बस इसमें यहां डाल दो आप, जो इक्वेशन आई थी तो क्या बनी, x प्लस 2y माइनस ट्वाइस ये प्लस माइनस इक्वल टू जीरो विच इज नथिंग बट अगर मैं इसको वो ले जाऊं कैंसिल तो ये हो गया। ठीक है ना, प्लस माइनस रूट फाइव।